श्री रामचरण बोहरा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का कुशल नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2022-23 के बजट का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस बजट में रेलवे, सड़क, परिवहन का विश्व स्तरीय मॉडल हमारे आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 2022-23 से हो रहा सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, जल परिवहन और जलमार्ग हमारे राष्ट्र की गति को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। 2022-23 में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार होगा, 400 वंदे भारत ट्रेनों, 100 पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में जयपुर हीरे जवाहरात का बड़ा केंद्र है। मैं इस क्षेत्र में समस्त व्यापारियों और निवासियों की ओर से माननीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस कारोबार में जुड़े हुए व्यापारियों को लाभ देते हुए तरासे हुए पॉलिश किए हुए हीरों का पर एवं रंगीन रत्नों पर आयात शुल्क 7.5% से घटाकर 5% किया है, जबकि बगैर तरासे हुए हीरे जवाहरात आयात शुल्क शून्य किया है। इससे हमारा जवाहरात उद्योग दूसरे देशों की प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। साथ ही कस्टम ड्यूटी को घटाने से 20% निर्यात बढ़ोतरी होगी। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री महोदया का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने सोलर उद्योग को संजीवनी प्रदान की है। महोदय, सोलर पैनल पर 40% और सोलर सेल पर आयात पर 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने से स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा, जिसे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन को और बल मिलेगा। PLI योजना के अंतर्गत सोलर सेल उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये अब सोलर उत्पादन के विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जो MSME के क्षेत्र में जिस प्रकार का मैं 5 मिनट के लिए बोला है, इसके तहत 1,30,00,000 MSME यूनिट को कर धन अलग से दिलाने के लिए अतिरिक्त उसका लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, राजस्थान की जनता को पीने के साथ साथ सिंचाई पानी भी मिले, इसके लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना तत्कालीन राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई थी। इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिले को पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। इस परियोजना की स्वीकृति से जयपुर से बड़े बहुत बड़े बांध रामगढ़ को पुनर्जीवन मिलेगा। श्री संतोष कुमार मैडम, मेरे क्षेत्र की दो बात रख के फिर बंद करूंगा। परियोजना को स्वीकृत जयपुर से बहुत बड़े बांध को रामगढ़ बांध को पुनर्जीवन मिलेगा, उसमें पानी का रिचार्ज भी होगा। इस परियोजना से की केंद्र द्वारा स्वीकृति दिए जाने से कि पश्चिमी राजस्थान में हरित क्रांति लाने वाली देश की सबसे बड़ी परियोजना साबित होगी। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, माननीय सभापति श्री संतोष कुमार जी बोलिए।